हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे बाटी और चोखा। बाटी चोखा यूपी और बिहार की बिल्कुल बहुत ही फेमस रेसिपी है। वैसे तो बाटी बनती है आग में, बट आज हम इसको बनाने वाले हैं कुकर में। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चोखा बनाते हैं। चोखा बनाने के लिए हमने लिया है एक बैंगन, दो टमाटर, चार पाँच लहसुन की कलियाँ और तीन से चार मिर्ची। बैंगन को हम बीच से कट लगा करके चेक कर लेंगे, बैंगन हमारा ख़राब तो नहीं है। तो ऐसे हम बीच से कट लगा करके बैंगन को देख लेंगे, बैंगन हमारा बिल्कुल सही है। आप चाहे तो दो ही साइड से कट लगा सकते हैं, मैंने चार साइड से कट लगाए हैं। अब हम क्या करेंगे, लहसुन को इसके बीच में रख देंगे, साथ में लहसुन को भी हम भून लेंगे। अगर आप कच्चा खाना पसंद करते हैं तो लहसुन कच्चा ही डालिए। हम इसको भून के डालेंगे लहसुन को। बैंगन भूनने के लिए अगर आपके पास जो स्टैंड होता है ना, अगर वो है तो आप उस पर भून लीजिए, नहीं है तो हमारी जैसे कढ़ाई में भून लीजिए, जैसे हम कढ़ाई में भून रहे हैं। मेरे पास भी नहीं है, कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल डाल लिया, तेल को फैला लिया और कढ़ाई में फिर हमने टमाटर और बैंगन को रख लिया है। धीमी आँच पर हम इसको भूनेंगे, बीच बीच में हम चेक भी करते रहेंगे। अभी हमारा टमाटर थोड़ा और बैंगन थोड़ा सा पका हुआ है, तो अब हम इसको ढक करके रख देते हैं, पकने के लिए छोड़ देते हैं। साथ में हम बाटी बनाने के लिए आटा लगा लेते हैं। आटा हमने लिया है दो कप। आटे में स्वाद के हिसाब से नमक मिला लिया और दो चम्मच रिफाइन ऑयल मिला के अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा को गूँथेंगे। आटा हमको थोड़ा टाइट ही गूँथना है, आटा बिल्कुल सॉफ्ट रोटी जैसा नहीं बनाना है। लिट्टी बनाने के लिए आटा थोड़ा कड़क ही बना गूँथते हैं। तो आटा हम गूँथ लेंगे, आटा हमारा गूँथ गया है। अब हम एक बार फिर से बैंगन को चेक कर लेते हैं। अभी हमारा बैंगन बिल्कुल पक गया है, टमाटर भी पक गया है। तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक हमारा बैंगन और टमाटर ठंडा हो रहा है, हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए लिया हमने दो कप सत्तू। सत्तू में हमने एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच अदरक ग्रेट की हुई, तीन से चार कटी हुई मिर्च, दो नींबू का रस और नमक मिला लिया स्वाद के हिसाब से, एक चम्मच मंगरेल, एक चम्मच अजवाइन भी मिला लेंगे और हम इसमें मस्ट है सरसों का तेल। और आपके पास आमचूर पाउडर है तो वो मिलाइए, नहीं है खटाई है तो खटाई मिला लीजिए। हरा धनिया मिलाएंगे और हमने साथ में मिला लिया है दो कटी हुई प्याज। अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। जब मुट्ठी बंधने लगे तो मतलब हमारा सत्तू जो है स्टफिंग परफेक्ट बना हुआ है। तो अब हम बाटी बनाते हैं। बाटी बनाने के लिए हम लोई से, रोटी से थोड़ी बड़ी लोई लेंगे। लोई को हम कटोरी जैसा बना लेंगे, दोनों अंगूठे से दबाते हुए ना कटोरी का शेप दे देंगे हम। इस तरीके से हम कटोरी जैसा बना लेंगे और अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। थोड़ा सा हम स्टफिंग कटोरी के बीच में रख देंगे और उसको दबाते हुए धीरे धीरे हम इसको गोल सा बना लेंगे। आपको अगर फिलिंग करना आता है तो आप अपने तरीके से कर लीजिए, नहीं आता है तो इस तरीके से आप फिलिंग कर लीजिए, आसानी से हो जाती है फिलिंग, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बाटी को हम गोल ही रखेंगे, चपटा नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से हम सारी बाटी बना लेंगे। और अब हम बाटी बनाएंगे कुकर में। कुकर को हमने गरम कर लिया है। गरम कुकर में हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, तेल को हम फैला लेंगे हाथ से, ऐसे ही फैला लेंगे पेदी में और सारी बाटी को हम रख देंगे। कुकर का ढक्कन जो लगाएंगे उसका सीटी और रबड़ निकाल के ढक्कन लगा लेंगे और अब हम इसको पकाएंगे। आंच को बिल्कुल धीमी ही रखनी है, धीमी आंच पे हम पकाएंगे इस बाटी को। बीच बीच में हम चेक भी करते रहेंगे। तो अभी हमारी एक साइड से बाटी जो है थोड़ी थोड़ी पक रही है, तो हम ऐसे ही सारी बाटी को साइड चेंज कर देंगे और फिर ढक्कन लगा करके हम इसको रख देंगे पकने के लिए। बाटी को कम से कम 20 से 25 मिनट तक धीमी आंच पर हम पकाएंगे और बीच बीच में हम ऐसे ही चेक करते रहेंगे इसको कि बाटी हमारी पकी है। तो ढक्कन लगा के हम इसको रख देते हैं पकने के लिए। और अब हम तब तक चोखा बना लेते हैं। तो चोखा बनाने के लिए जो हमने बैंगन और टमाटर रखे हैं वो ठंडा हो चुका है, अब उसका हम छिलका उतार लेंगे। बिल्कुल आसानी से छिलका निकल जाता है तेल लगाने की वजह से। तो टमाटर छील लिए हमने, बैंगन को भी हम
का छिलका हटा लेंगे और फिर हम चोखा बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये मेरी बाटी चोखा की पहली वीडियो है। आप प्रोसेस को समझिएगा, शायद मैं इतना परफेक्ट समझा नहीं पा रही हूँ, बट आप समझने की कोशिश करिएगा। हमने दो उबले हुए आलू ले लिए हैं, उसमें अब हम मिला लेंगे कटी हुई प्याज, दो कटी हुई मिर्च, टेस्ट के हिसाब से नमक और कटी हुई हरी धनिया मिला लेंगे। और चोखा का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें मस्ट है सरसों का तेल, तो एक चम्मच सरसों का तेल भी हम इसमें मिला लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा चोखा बनके तैयार हो गया है। चोखा को अब रख देते हैं हम साइड में और एक बार फिर से अब हम बाटी को चेक करेंगे। बाटी को पकाते पूरे 20 मिनट हो चुके हैं, एक बार हम फिर ढक्कन हटा के देख लेते हैं। बाटी हमारी बन गई है, एकदम अच्छे से परफेक्ट बनी है। बाटी पकने का मतलब है कि बाटी में क्रैक्स आ जाए, तो बाटी अच्छे से पक गई है। तो हमारी बाटी में क्रैक्स आ गए हैं और बाटी अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम कुकर को उतार लेते हैं गैस से नीचे और अब हम सर्व करते हैं खाना, प्लेट लगा लेते हैं। है ना अच्छी सी बनी हुई बाटी। हमने लिया है एक थाली, थाली में हम चोखा ले रख लेंगे। बाटी आपको सादी खानी है तो आप सादी रख लो, अगर आपको घी के साथ खानी है तो आप बाटी में घी लगाकर घी के साथ खाओ। दोनों तरीके से बाटी बहुत ही अच्छी लगती है, चाहे आप घी से खाओ या फिर सादी बाटी खाओ, चोखा से बहुत टेस्टी लगती है। तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।